हाय एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में आज के सेशन में एक हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड जो कॉन्टेम्प्ररी कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटरनेशनल रिलेशन में वो उसे समझने की कोशिश करते हैं दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा आई होप कि आपने ये टर्म सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशन में कि प्रेजेंट में किस तरीके से जो इकोनॉमिस्ट डानी रॉड्रिक हैं उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा है ओके दिस इज़ द कॉमन फीचर ऑफ़ द प्रजेंट डेज ओके वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का या वर्ल्ड ट्रेड का यू कैन से दैट तो ग्लोबलाइजेशन आप सिंपल डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है ओके ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसज आइडियाज़ कल्चर पीपल्स ओके तो जब इकनॉमीज़ uh, इंटीग्रेट होती हैं कल्चर इंटीग्रेट होते हैं ओके सोसाइटीज़ इंटीग्रेट होती हैं होल वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज uh, के रूप में कन्वर्ट हो जाता है सो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंफॉमेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज ओके तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वर्ल्ड की जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं इकोनॉमीज़ हैं सोसाइटीज़ हैं पीपल्स हैं वो आपस में और भी ज़्यादा कनेक्टेड हुए ओके okay? तो ये उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं अब ये ट्रिलेमा क्या क्या है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट डानी रॉड्रिक तो ट्रिलेमा में इन्होंने दो चीज़ें सॉरी तीन चीज़ें हाईलाइट की हैं एक है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दूसरा है नेशनल सव्रैनिटी एंड तीसरा है डेमोक्रेसी तो डॉनी रॉड्रिक कहते हैं कि ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या तीनों जो प्रोसेस हैं या जो तीनों फीचर्स हैं वो साइमल्टेनियसली को नहीं कर सकते दे कैन नॉट को एग्जिस्ट फुली क्या मतलब हुआ है इसका कि जो कंट्रीज़ हैं दुनिया भर की ये केवल इनमें से दो चीज़ें ही अचीव कर सकती हैं या तो वो डेमोक्रेसी एंड नेशनल सवरानिटी ले लें तो वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और नेशनल सवरानिटी को वो लेते हैं तो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगर यहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डेमोक्रेसी को लेते हैं तो नेशनल सवरानिटी को यहाँ पर क्या करेंगे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो कुल मिलाकर आइडिया ये है कि डेमोक्रेसी नेशनल सवरानिटी ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये दीज आर द थ्री फैक्टर्स जो ट्रिलेमा के पार्ट हैं ग्लोबलाइजेशन में एंड डॉनी रॉड्रिक यहाँ पर फोकस करते हैं एम्फेसाइज करते हैं हाईलाइट करते हैं कि तीनों एक इकट्ठे नहीं रह सकती दे कैन नॉट को फुली थ्री ऑफ देम यहाँ पर स्टेट मस्ट कॉम्प्रोमाइज वन ऑफ दीज एलिमेंट ओके मतलब टू एलिमेंट्स को ही अचीव कर सकते हैं स्टेट्स या जो कंट्रीज हैं एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अब आइए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते डेमोक्रेसी सिंपली आपको पता है क्या होती है मास पॉलिटिक्स ओके okay, जहाँ पर जो सवरानिटी है वो पीपल्स के पास होती है ओके okay, जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है राइट बाय द पीपल फ़ॉर द पीपल ये आपने डेफिनेशन uh, सुनी होगी डेमोक्रेसी की कैन यू टेल मी हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन डेमोक्रेसी की ऑफ द पीपल बाय द पीपल फ़ॉर द पीपल ओके तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है मास पॉलिटिक्स है ओके नेशनल सवरानिटी क्या होती है जहाँ पर जो कंट्रीज हैं जो कंट्री उनके पास अल्टीमेट पावर होती है डिसीज़न लेने की अल्टीमेट पावर नेशनल सब्रेनिटी उस नेशन के पास में अल्टीमेट पावर है टू टेक द डिसीज़न रिगार्डिंग इट्स अफेयर मतलब कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं रहेगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सिंपल वही कि जो जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं ग्लोब के जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना या अल्टीमेटली यू कैन से दैट इन सिंपल वर्ड्स कि ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ में जोड़ना अपने आप को जहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ईजी हो जाता है मार्केट का आप अदर कंट्रीज़ की मार्केट को आपको एक्सेस मिल जाता है इन्वेस्टमेंट इजी हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस करना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये सारी जो प्रोसेस हैं ये कन्वीनियंट हो जाती हैं ईजी हो जाती हैं ओके okay? तो ये होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो डॉनी रॉड्रिक कह रहे हैं कि ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो कंट्रीज़ हैं उनको इनमें से एक एलिमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और यही प्रोसेस यही फिनिना को वो कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा हमने डिलेमा सुना है जहाँ पर दो एलिमेंट्स के बीच में हमें एक चूज करना होता है तो यहाँ पे ट्रिलेमा है जहाँ पर थ्री एलिमेंट्स के बीच में हमें दो चूज करने हैं और एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना है सो दिस टर्म इन इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी का फिनोमिना है प्रेजेंट में जिसको डॉनी रॉड्रिक ने हाईलाइट किया है अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो ग्लोबल साउथ का ओके ग्लोबल साउथ आप समझ सकते हो जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश हो गया नेपाल हो गया आपका मालदीव हो गया ओके okay, जो जो सार्क कंट्रीज स्पेशली आप इनको कह सकते हो ओके okay, या जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ओवरऑल अगर हम इस ग्लोबल आपने एक फिनमिना एक कैटेगराइजेशन पढ़ा होगा इंटरनेशनल में एक होता है ग्लोबल साउथ एक होता है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज आती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं डेवलप्ड इन द सेंस, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है अच्छा अर्बनाइजेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है ओके लिटरेसी uh, रेट अच्छा होगा हेल्थ अच्छा होगा ये सारी फैक् सारे फैक्टर्स आ जाएंगे उसमें ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज आती हैं जहाँ पे जो लेस डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है ओके okay. जहाँ की इकोनॉमीज़ अभी लेस डेवलप्ड है लेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे आ जाएंगे ओके okay. तो ये जो आपका फिनमिना देखने को मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा उसमें बेस्ट एग्जांपल आप हाईलाइट कर सकते हो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर पाया गया है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा शेप की जाती हैं जैसे कि आईएमएफ हो गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो ये क्या हुआ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो गया तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो एलिमेंट है उसको इंक्लूड किया है ओके okay? एंड तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो उनकी जो इकोनॉमिक सवरानिटी है वो यहाँ पर उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है अब इकोनॉमिक सवरानिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या है अल्टीमेट पावर टू टेक द डिसीज़न रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ऑल सिंपल सा लॉजिक है जब कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाएंगी शेप की जाएंगी तो कंट्रीज़ की खुद की पावर कहाँ बचेगी डिसीजन लेने की रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक पॉलिसीज तो इन दो में से एक ही चूज कर सकता है ना कंट्री या तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ जाए दैट इज़ इकोनॉमिक uh, इंटीग्रेशन या तो वो भाई अपनी अल्टीमेट पावर को uh, बचा कर रखे कि नहीं हम तो अपनी अल्टीमेट पावर को दैट इज़ सवरैनिटी उसको हम इन्जॉय करेंगे हमको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्या हुआ एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना सो दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अब लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या है उन्हे, आ, उन्हें उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चाहिए उन्हें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए दुनिया भर की कंट्रीज़ से कि दुनिया भर की कंट्रीज़ आकर उनके यहाँ इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो स्वाभाविक सी बात है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या ग्लोबल इंटीग्रेशन की प्रोसेस में उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो यहाँ पर उन्हें अपनी जो नेशनल सवरानिटी है रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है गॉट इट तो ये था प्रोसेस अब इसका हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं तो रॉड्रिक ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो जो ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा का कॉन्सेप्ट है अपने बुक टू थाउजेंड में इसे इंट्रोड्यूस किया था और टू थाउजेंड वन में एक और इनकी बुक आई थी द ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स जिसमें इन्होंने ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा को और एक्सपैंड किया था ओके okay, जहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ये थ्री गोल्स हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डेमोक्रेसी एंड जो नेशनल uh, सवरानिटी है इन थ्री गोल्स में ये म्यूचुअली इन इनकम्पैटिबल है और इसीलिए इसमें एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा नेशनल uh, जो ने uh, जो कंट्रीज़ हैं उनको अब इसके बाद से uh, रॉड्रिक ने अपनी बुक में अपने और भी कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग में प्रपोज की है जैसे इन्होंने अब जो ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा का फिनोमिना है इसके अगेंस्ट में पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं कंट्रीज़ के ओके okay, कि जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी तो इसके थ्री थ्री इन्होंने पॉसिबल रिस्पॉन्स यहाँ पर हाईलाइट किया है पहला है कि इग्नोर द प्रॉब्लम, तो आ, जो रॉद्रिक हैं वो कहते हैं कि पहला ऑप्शन ये हो सकता है कंट्रीज क्या कर सकती हैं कि प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें ओके okay, ये ट्रिलेमा वाली ओके तो वो डीपर ग्लोबलाइजेशन के लिए जाएंगी मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कैरी ऑन करेंगे बट उसके जो रिस्क होंगे उसको एज अ कॉन्सिक्वेंसेस वो एक्सेप्ट करेंगे या तो ट्रेड रूल्स को और हार्मोनाइज किया जाए बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को फिल आफ, सभी कंट्रीज़ को वो फिट बैठें रिस्ट्रिक्ट ग्लोबलाइजेशन या तो वो ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर उनको ट्रेड गें्स नहीं मिलेंगे जो उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं जो उनका आ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है जो भी उनका उनके यहाँ पर आ, ट्रेड गेन मिल रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन से मार्केट पे एक्सेस मिल रहा है वो यहाँ पर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सो दीज़ आर द पॉसिबल रिस्पॉन्स जो इस ट्रिलेमा के रिगार्डिंग में कंट्रीज दिखा सकती हैं ये रॉड्रिक ने यहाँ पे प्रपोज़ किया था तो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन ट्रिलेमा का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जनरली हमें हमारे जो ट्रेडिशनल uh, सिलेबस है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं मिलते हैं ये सब हाईलाइट किए जाते हैं ये सब कॉन्टेम्प्रेरी यू कैन से दैट करेंट अफेयर का पार्ट है जो अपडेट होती रहती हैं चीज़ें तो uh, आई होप कि आप आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसे और नहीं सुना होगा तो आज के सेशन से आपको ये पता चल गया होगा तो ग्लोबलाइजेशन के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें आप जो से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप इसे लिख सकते हो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो आप अपने आंसर में जिससे कि आपके आंसर को की क्वालिटी इनहेंस होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे सिंपली ओके okay? सो थैंक यू सो मच आज का ये लेक्चर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे कि मैं आ, अपने कंटेंट पे और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लेक्चर्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप मुझे दे रहे हैं ग्रो करने के लिए आप ऐसे ही शेयर करते रहिए दूसरों के साथ और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर